रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड अच्छा आ गए सब, सब लोग आ गए हैं। सिंधु तो दिख रही है, ये आप आईपैड से भोपाल से जो हैं। मोनिका, सविता, सविता आप सुन पा रही हैं? जी मैम, हाँ हाँ सुन पा रहे हैं। अच्छा मैं कुछ कुछ पूछना चाहूंगी आप लोगों से अभी जो पिछला बताया है, और फिर एक वीडियो दिखाऊंगी और उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जी मैम, और वो मोनिका और रिंकू, जहां से ज्यादा एक्सेस आवाज आ रही वो लोग म्यूट कर लो। हाँ तो सविता जी, आप मुझे एक, जी आप मुझे मैम, कहीं से बहुत आवाज आ रही है। मिनट, वो फोन आ गया था। हाँ आप बोलिए मैम, हाँ मैं ये कह आप रही बोलिए। हूँ कि मैंने रिंकू, आप भी सुनिए, सारे सारे पेरेंट्स जो भी न्यू हैं, एक बात बताइए। जी अगर मैं कहती हूँ जी किसी बच्चे को कि वो हाइपो सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर सेंसरी स्टिमुलस के, तो उसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक बच्चा बहुत ज्यादा कपड़ा उतारना चाह रहा है, पहनना नहीं चाह रहा, तो पहले तो ये बताइए सविता जी और आप लोग सुनिए कि वो हाइपो सेंसिटिव टू टच है या हाइपर सेंसिटिव टू टच है, वो कपड़ा उतारना चाह रहा है। हाइपो है मैम, हाइपो हाइपर सेंसिटिव। सेंसिटिव देखिए, देखिए हाइपो मींस होता है कि वो चीजों को और क्रेव करे और चाहे और सुनना हाइपर, चाहे। हाइपर, अगर वो हाइपर। हाइपर है इसीलिए तो वो कपड़े उतारना चाह रहा है। अगर वो बहुत हाँ पहनना हाँ चाह रहा होता है, मतलब वो हाइपो है, पहनना चाह रहा है। हाइपो है सुनने के लिए, सुनना चाह रहा है। हाइपो है खाने के ठीक, लिए, खाना चाह रहा है। हाइपो है बैलेंस, बहुत ज्यादा रॉक कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब वो हाइपो है, तभी तो वो चाह रहा है। और अगर वो जी, हाइपर सेंसिटिव होता तो वो अवॉइड करता। अब आप बताइए, अगर कोई बच्चा कान पकड़ रहा है कुछ भी सुन के, आप लोग कोई भी बता सकते हो, अगर ऐसे कान से अवॉइड कर रहा है, मतलब वो ऑडिटरी के लिए आइदर हाइपर या हाइपो है, वो क्या है? हाइपो है कि हाइपर है, वो अवॉइड कर रहा है। हाइपर है, हाइपर हाइपर, वो हाइपर है तभी तो वो अवॉइड कर रहा है। ठीक है, अब आपको हाइपर और ठीक। हाइपो में समझ में आया? तो जी, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कूद रहा है, मतलब बैलेंसिंग चाह रहा है या जो भी चाह रहा है, तो आप लोग गलती से ये बोल देते हो ये बहुत हाइपर है, कूदता रहता है, बहुत हाइपर है। अरे नहीं, वो तो हाइपो सेंसिटिविटी टू बैलेंसिंग और वो है ना, तभी तो वो और कूद रहा है। आप समझ रहे हो? बहुत ज्यादा कूद रहा है, बहुत ज्यादा जंप कर रहा है, मतलब वो हाइपो सेंसिटिविटी टू वेस्टिबुलर है। और आप लोग क्या बोलते हो, मेरा बच्चा हाइपर है, मेरा बच्चा हाइपर है, गलत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, अगर वो बच्चा जी हाइपर एक्टिव है वो, लेकिन वो सेंसिटिविटी की जब बात होती है तो वो हाइपो सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर सेंसरी स्टिमुलाई है। तो रिंकू आपको क्लियर हुआ? रिंकू हाँ मैम, हाँ अब आप हमें ये बताओ कि एक बच्चा है, मतलब बड़ा हो गया है, वो पूरे टाइम अब कंबल से या शीट से अपने आप को कवर करके रखता है, मैं जो भी एग्जांपल ले रही हूँ वो सच का है, सचमुच ऐसा बच्चे करते हैं, तो अब आप बताओ रिंकू, वो हाइपो और हाइपर सेंसिटिव है कि हाइपो है, और किस चीज के लिए है, किस स्टिमुलस के लिए है? हमने आपको पांच सात तरह के, मैम, वो तो हाइपो है क्योंकि उसके पास कम है, इसीलिए बहुत ज्यादा मतलब वो कंबल एग्जैक्टली ओढ़ रहा है। और रैपर, पर किस सेंसरी मतलब स्टिमुलस, किस स्टिमुलस के लिए? क्लॉथ, क्लॉथ के लिए, कपड़ा, मतलब टैक्टाइल, एक कप, अच्छा टैक्टाइल, 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 वही। हाँ, कपड़े का टच, कपड़े का टच वो ज्यादा हाँ चाह रहा है। ठीक है, जा रहा है। हाँ मैम, इसी तरह से कोई बच्चा बाल कटवाना नहीं चाहता, बिल्कुल ही बाल कटवाना नहीं चाहता,
अब वो बताइए वो सेंसिटिविटी टू व्हाट है, पहले तो ये बताइए वो किस चीज के लिए सेंसिटिविटी उसकी है। हाइपो हाइपर बाद में पूछेंगे, वो बाल बिल्कुल कटवाना ही नहीं चाहता। दो तीन चीजें भी हो सकती हैं। टच के लिए मैम, टच टच के लिए है लेकिन वो अवॉइड कर रहा है, तो वो हाइपो है कि हाइपर है? वो अवॉइड कर रहा है, हाइपो सेंसिटिविटी टू टच है, तो वो बाल कटवाना नहीं चाहता, ठीक है। और लेकिन इसमें दूसरी चीज भी आ जाएगी, वो कैंची की आवाज नहीं पसंद कर रहा, कई बार साउंड का भी आ गया, ठीक है। तो मेरा बेटा जैसे कटवा लेता है बाल, लेकिन कैंची से नहीं कटवाता, जबकि मशीन जो कि आप लोग को डर लगता है ना, वो ट्रिमर वो जो होता है, वो उससे कटवा लेता है, क्योंकि उसमें आवाज, या तो उसकी वो आवाज उसको पसंद आ रही है। अब आप हमें साउंड का हो गया। अब जैसे कोई बच्चा, जैसे मेरा ही बेटा है, वो पन्नी ऐसे ऐसे हिलाता था, अब तो कम कर दिया है, तो वो किसके लिए हाइपर और हाइपो है? पन्नी की आवाज, साउंड, वो भी पर्टिकुलर पन्नी की साउंड, पन्नी के साउंड के लिए, ठीक है। तो ये मैं क्लियर करना चाह रही थी सारे लोगों को। मोनिका आप कुछ बताएंगी हमें, मैं कुछ पूछूं? एक मिनट कहाँ से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा? एक मिनट हाँ, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो कोई बच्चा, एक बच्चा है जो हर चीज मुंह में डालता है, हर चीज, बताइए वो किस चीज के लिए सेंसिटिव है? मैम वो जैसे हाइपो हुआ ना, जैसे उसको अभी हमने हाइपो हाइपर हाइपर नहीं बोला, अभी हमने बोला किस चीज के लिए। अच्छा। वो सेंसिटिव है, तो हमने आपको सात सेंसरी वो बताए हैं स्टिमुलस, वो छूना, ऑल्फैक्टरी मतलब टेस्ट, स्मेल, और क्या कहते हैं, बैलेंसिंग, प्रेशर, और जो है और क्या रह गया, सुनना, मसल वाला, मसल तो वही प्रेशर। तो वो कोई बच्चा बहुत ज्यादा मुंह में चीज डाले जा रहा है, वो किस चीज के लिए सेंसिटिव है? मैम टेस्ट के लिए, टेस्ट बड्स, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा मुंह में डाल रहा है, तो हाइपो है कि हाइपर? वो बहुत ज्यादा चाह रहा है, हाइपो, हाइपो है, वेरी गुड, हाइपो, हाइपो है। तो इसका मतलब अभी तक में सिंधु आप बताइए, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा, जैसे कि स्वाति बहुत ज्यादा रॉक कर रही है, किस चीज के लिए सेंसिटिव है वो, किस चीज के लिए सेंसिटिव है? हमने आपको सात तरह के सेंसरी बताए हैं, स्टिमुलस आते हैं। कोई बच्चा बहुत ज्यादा रॉक कर रहा है, किस चीज के लिए वो सेंसिटिव है? वो एक्चुअली हाइपो है। नहीं, हम पूछ रहे किस, कौन से स्टिमुलाई के लिए वो सेंसिटिव है? वेस्टिबुलर की, प्रोप्रियोसेप्टिव की, और मसल्स का है ना? नहीं नहीं, रॉकिंग हो रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन, ना ना ना, बैलेंस बना रहा है ना वो झील के, वेस्टिबुलर, वो वेस्टिबुलर को, हाँ वो नहीं, वेस्टिब्यूलर वजह से वो रॉक कर रही है। अब आप लोग बताइए वो हाइपो हुई कि हाइपर हुई फॉर वेस्टिब्यूलर? स्वाति वेस्टिब्यूलर के लिए तो है, वो हाइपो है क्योंकि वो चाह रही है, ठीक है। अब हाइपो, हाइपो है, लेकिन कोई बच्चे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक जगह बैठे रहना पसंद कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं मूवमेंट चाह रहा है, बिल्कुल रॉकिंग और झूला बिल्कुल नहीं चाह रहा है। अगर वो बिल्कुल झूला अवॉइड कर रहा है, रॉकिंग अवॉइड करना चाह रहा है, ट्रेम्पोलिन अवॉइड करना चाह रहा है, एक जगह बैठा है, किस चीज के लिए सेंसिटिव है वो? हाइपो नहीं, वो किस चीज, किस स्टिमुलाई के लिए सेंसिटिव है? वेस्टिब्यूलर के लिए वो सेंसिटिव हो रहा है, ठीक है। अब वो हाइपो है कि हाइपर है? हेलो, 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 क्या हो गया? हेलो,
हेलो हाँ मैं म्यूट हो गई थी, अब सबको आ रही आवाज? एक तो जहां से थोड़ा एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है प्लीज वो लोग म्यूट कर लें, कहीं से एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है। तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल मूवमेंट अवॉइड कर रहा है, बिल्कुल एक कोने में बैठा रहना पसंद कर रहा है, तो वो सेंसिटिव टू व्हाट है, यानी वो सेंसिटिव टू वेस्टिब्यूलर है, ठीक है। अब वो हाइपो है कि हाइपर, वो बैठा रहना पसंद कर रहा है, हाइपर है। हाँ, और आप लोग हम लोग क्या बोलते हैं, हाय वो तो बिल्कुल ही नहीं बैठता, जबकि वो हाइपर वो है सेंसिटिव, ठीक है, वो हाइपर सेंसिटिव टू वेस्टिब्यूलर है। तो अभी हाइपो हाइपर क्लियर हो गया आपको? हेलो, हाँ मैम। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, वीडियो शेयर करना है तो जब हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं तो उसी की सेंसिटिविटी को देखते हुए देते हैं, कौन सा बच्चा हाइपो है कौन सा बच्चा हाइपर है। जो हाइपर है उसको भी हम वो इंटीग्रेशन देते हैं, वो चीज देते हैं स्टिमुलस, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन पे, उसको कहते हैं सेंसरी डाइट। अब आप एक लोग एक वीडियो देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको। देखा आप लोग ने? नहीं दिख रहा है मुझे, क्या देखा? हाँ वो बच्चे अलग अलग साउंड से है ना परेशान हो रहा था, तो हाँ, इसलिए वो धक्का देकर भी गिरा के भागते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ नई चीज ये थी कि वो साउंड्स जो हमें और आपको नहीं परेशान करते उसको वो भी बहुत ज्यादा तेज सुनाई पड़ रहे हैं। सपोज किसी केटली से चाय निकाली जा रही है, हमको और आपको थोड़ी परेशान कर रही है, लेकिन उसको वो भी परेशान कर रही है। एक लेडी उस वीडियो में डायरी पे ऐसे टक 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 बजा रही है, हमको और आपको थोड़ी परेशान कर रही है, लेकिन उसको वो भी बहुत तेज सुनाई पड़ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमको और आपको जो तेज सुनाई पड़ रहा है
वही उसको तेज सुनाई पड़ रहा है, छोटी छोटी नॉइज भी उन लोग को इतनी ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसी में सुनाई पड़ता है और हमें लगता है कुछ तो आवाज नहीं है, फिर ये क्यों कान पकड़े हैं। एक बच्चा है मेरे पास विशु, कान कुछ भी आवाज नहीं, साइलेंट रूम आवाज कान पकड़े हैं। हो सकता है पंखे की आवाज, हो सकता है कूलर के एग्जॉस्ट की आवाज उनको दुगनी तिगुनी उससे सुनाई पड़ रही हो, जो हमको और आपको नहीं सुनाई पड़ रही होती उनकी रेंज उसको भी पकड़ रही है। सोचिए क्या दिमाग है इन लोगों का, कंप्यूटर टाइप्स। तो अगर वो स्टिमुलेशन हमें आपको नहीं मिल रहे और उन्हें मिल रहे हैं, उसको कहते हैं ओवरलोडिंग, या कि मिलने चाहिए और कम मिल रहे हैं, अंडरलोडिंग। ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग दोनों चीज होती है इनमें, जिसकी वजह से हम और आप जो सिखा रहे होते हैं उस लर्निंग में दिक्कत आ जा रही है। इसीलिए और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, पहले बल्कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करा के फिर वन ऑन वन लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखता है। इसीलिए मॉर्निंग में सेशंस अच्छे माने जाते हैं, शाम तक में सेंसरी डिसफंक्शन और जो हो चुका होता है तो ठीक है। तो इसके लिए जो आके ऑक्यूपेशनल, जिस भी पर्टिकुलर सेंसरी स्टिमुलस के लिए आपका बच्चा सेंसिटिव ओवर या अंडर है, हाइपो या हाइपर है, उसको जज करता है और एसेस करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और वही इंफॉर्मेशन वही स्टिमुलस देता तो है लेकिन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे देता है, जिससे कि सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉपर होने लगे और उस पर्टिकुलर नॉइज या उस पर्टिकुलर टेक्टाइल या उस पर्टिकुलर ऑल्फैक्ट्री से वो ब्रेन सेंसिटाइज हो सके। ये बच्चा जो कि वीडियो में सब आवाज नहीं, सारी आवाजें उसको मिल गई थी, हो सकता है केटली की चाय की आवाज वो धीरे धीरे सुनने लग जाए, बर्दाश्त करने लग जाए। कैसे? अगर वो उस आवाज केटली से चाय पोर करने की आवाज अगर हम बीच बीच में दूसरी आवाजों के साथ सुनाते रहें, एक सीडी लें जिसमें और आवाजें भी हो जो कुछ को पसंद है, और बीच बीच में चाय पोर करने की भी आवाज हो, फिर एक आवाज फिर चाय पोर करने की भी, हाय लक्ष्य, वैसी आवाज हो तो वो आवाज ब्रेन सेंसिटाइज हो जाता है। जब ब्रेन सेंसिटाइज हो जाएगा थोड़े दिन करने के बाद, तो उसके बाद जो है वो आवाज सुनने लगेगा। इसी को कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जज कर लेता है, असेस कर लेता है कि किस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको सेंसरी डाइट के अकॉर्डिंग देता है। जो हमारी खाने की डाइट जैसे होती है, इसको कहते हैं सेंसरी डाइट। मतलब कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा झूला अवॉइड कर रहा है तो हम उसको झूला झुलाएंगे तो हटाएंगे नहीं, लेकिन पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे इतनी देर के लिए झुलाएंगे फिर हटा देंगे, फिर इतनी देर के लिए झुलाएंगे फिर हटा देंगे। इसीलिए अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रैम्पोलिन पे कूदना चाह रहा है और पूरे दिन ही कूदेगा तो वो ट्रांस स्टेज में चला जाएगा, ज्यादा मिले जा रहा है उसको, उसको प्रॉपर डाइट के हिसाब से मिलना चाहिए। वो आप कहो कि मेरा बच्चा तो हाइपर, वो हाइपो है, उसको तो चाहिए ट्रैम्पोलिन इसलिए वो दिन भर कूदता रहता है, नहीं, दिन भर कूदने देने से नहीं दे रहे हो आप डाइट, वो तो ओवर हो जा रहा है। उसको पर्टिकुलर डाइट के हिसाब से ही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बताएगा, ठीक है। और अभी इसमें आगे और क्या है, तो उसमें हैंगिंग और स्विंगिंग ऑन अ बार, बॉडी मसाज देना भी, हाँ मैंने स्क्रीन शेयर की। तो जिस जिस बच्चे को, आपके भी बच्चों में जिस जिस चीज को सेंसरी में प्रॉब्लम है, वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सके, क्योंकि उसके बाद की एक्टिविटीज है वो मैं कल शेयर करना चाहती हूँ। मैम स्वाति में क्या हूँ, हाँ। मैम स्वाति में पहले क्या है ना, ये दोनों कान पकड़ती थी, मतलब जोर जोर से बंद करती थी, अच्छा। कुछ भी सुनने ही नहीं पसंद करती थी। अब क्या है कि वो वाला उसमें से अट गए। अब क्या है, मोबाइल्स में है ना जो भजन सुनता है, हाँ। तो वो भजन सुनती है तो वो साथ साथ रॉकिंग भी कर लेंगी बहुत, पहले देखता ही रहेगा देखते रहे, फिर बाद में क्या ना उसी गाने को ही फुल वॉल्यूम में ही वो अपने कान में लगाती है। अब उसको कान में लगाकर ही सुनेंगे तभी उसको मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम सोचते हैं इतना तेज आवाज कान में नुकसान करेगा, बार बार हटाते हैं, वो दो मिनट के लिए हटाएंगे वापस, वो वापस कान में ही रखते हैं। ये फिर नुकसान नहीं करेगा, वो क्रेव कर रही है, वो चाह रही है, सीख कर रही है वो।
अच्छा 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 वो लगाना है आपको, और वही पर्टिकुलर भजन भजन वो सुन रही है उसी तरह की। बहुत से बच्चे सूदिंग म्यूजिक पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे बहुत तेज वाला भी पसंद करते हैं। ये तो बहुत तेज वाला जो ड्रम ड्रम डिस्को टाइप वाला तो है ना, वो इसको पसंद नहीं है, वो नहीं पसंद है। बहुत से बच्चे वो डिमांड करते हैं, तो अगर ये वाला कोई से आवाज ज्यादा आ रही, बाकी लोग या तो म्यूट कर ले, तो वो जो है अगर वो पर्टिकुलर वही वाला भजन पसंद करी तो उसी भजन से मिलते जुलते स्वरों का अगर आप ले लो, राग राग होते हैं ऐसे बहुत सारे, तो वो राग अगर किसी से पूछे तो उसी राग को अगर आप सुनाए, लो रिदम पसंद करी तो लो साउंड पे ही रात में, या हाई पे करी तो हाई पे, लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल्स पे, जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा इस तरह से वाला गाना पसंद है। हाँ, लेकिन पूरे टाइम नहीं सुनाना है। आप वो शेड्यूल जब बनाएंगे ना, वो शेड्यूल जब मैं सिखाऊंगी तो उसमें एक कार्ड डाल देंगे स्वाति के में कि इसका ये सेंसरी टाइम, मतलब ये भजन टाइम, और उस समय वो भजन और उस भजन जैसे और उसको कान में जितने वॉल्यूम पे वो सुनना चाह रही हम सुनाएंगे, लेकिन वॉल्यूम पे सुनना चाह रही है उससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कहीं से डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ा सा कम करेंगे हल्का, फिर अगली बार उससे हल्का, अगली बार उससे हल्का, देखेंगे कि वो कितना रेजिस्ट कर रही है, कितना ले रही है। अच्छा, वो धीरे 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 करके उसका भजन बंद नहीं करवाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा लो वॉल्यूम पे ले आएंगे, लेकिन जाएंगे हम उसी के भजन के अकॉर्डिंग जो वो पर्टिकुलर पसंद कर रही है। ठीक है, और उसके साथ वो रॉक कर रही है, दैट मींस वो उसको एंजॉय कर रही है। आई एंजॉय तो कर रही है, ना रॉकिंग इतना ज्यादा है कि जमीन पे जाके टच हो जाते, सिर कई बार दीवार में भिड़ जाता है, इतना ज्यादा करते हैं। तो रॉकिंग के लिए अलग से करेंगे कि रॉकिंग के लिए जो एक्सरसाइजेस बताएगा ओटी, वो तो ये बताएगा कि अगर वो आगे पीछे, वॉइस बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, तो अगर जो है अभी आवाज आ रही है मेरी, आवाज तो आ रही है, आप नहीं दिख रहे हैं, मेरे को मत देखो, तो वो अगर वो आगे मेरे माइक से आवाज नहीं, मैम सही है। अच्छा, तो अगर मैम सही है, अच्छा अगर आगे पीछे रॉक कर रही है तो हम एक कोई रॉकिंग चेयर ला सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक कंप्यूटर चेयर होती है ना हम लोग की, या वो जो नीचे व्हील लगे होते हैं जिस चेयर में, हाँ जो कंप्यूटर टेबल उसमें सब रखते हो, उसमें करके उसको क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो घुमा सकते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब क्लॉकवाइज कई बार 10 बार घुमा दिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए रुक गए, फिर घुमा दिए, फिर घुमा दिए रुक गए। या फिर आगे पीछे अगर करना है तो आगे पीछे थोड़ा करा दिए और फिर रुक गए, वो पड़ेगी वो स्टिमुलस, वो नहीं पता है इसलिए वो बाकी के टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मैम। हेलो मैम, मनु के लिए मुझे पूछना था कुछ। अच्छा, हेलो, तो आप भोपाल वाली ना मनु? हेलो, हाँ 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 हाँ, भोपाल कर लो सिंधु। हाँ ठीक है, हाँ मनु, हाँ ये मैं नाम ही भूल जा, सविता जी ना मैम? हाँ हाँ सविता। मैम मुझे तीन सवाल पूछने हैं। पहला सवाल है कि मनु पूरे समय आवाज करता है, कभी खूब तेज करेगा, कभी धीरे धीरे करेगा, और ऑल टाइम तो वो हमिंग साउंड उसका ऑल टाइम चलता रहे, सिर्फ सोने में साउंड बंद होता है उसका। हाँ, और पूरे समय खाना, यहाँ तक कि खाता है तब भी साउंड करता है मैम। और वैसे वो वर्बल है, वो नहीं बोलते नहीं है मैम, अभी उसको सिखाए हैं पापा, सिर्फ बोलता है पापा और नाना, सिर्फ दो शब्द। और क्या कहते हैं, देखिए कई वजह हो सकती है इस चीज की, या तो वो उसके साउंड आ रही है और बहुत ज्यादा बोलना चाह रहा है, ठीक है, पहली वजह। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कोई अल्टरनेट एक्टिविटी उसके पास नहीं है, तो वो बोल बोल के अपनी एनर्जी निकाल रहा है और अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है। सेम चीज स्वाति में थी, पर स्वाति का था जब वन ऑन वन हम सेशन लेते थे तो वो जब उसको मजा नहीं आता था उस एक्टिविटी में, या उसको एस्केप करना होता था कि मुझे नहीं करना,
तो वो डेंड या फिर उसके लिए बहुत इजी हो गई तो भी नहीं करना चाहते बच्चे, तो वो बोलती रहती थी। लेकिन जब उसको क्वालिटी टाइम एक्टिविटी देने, एक्टिविटीज क्वालिटी एक्टिविटीज देने लगे और टाइम में उसी टाइम में वो अच्छी एक्टिविटीज करवाने लगे, तो उसका वो जो बोलना था वो रुक गया है। पूछिए सिंधु से, उनका रुक गया है। शेड्यूल डालना होगा, जैसे पूरे दिन का तो मैं नहीं रोक सकती, पर जिस समय बहुत ज्यादा करता हो उस वक्त का एक शेड्यूल कार्ड, शेड्यूलिंग एक अलग चैप्टर है, शेड्यूल्स में डालते हैं, टाइम टेबल जिसे कहते हैं, वो एक कार्ड में लिख के कि ये मनु का सिंगिंग टाइम है या मनु का टीवी देखना, जो भी उसको पसंद है, जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है जो एक्टिविटी, वो शेड्यूल कार्ड में लगा के जब आप टांग दोगे और उस चीज में आप इन्वॉल्व हो कि वो एक घंटा या आधे घंटे की एक्टिविटी में आप भी इन्वॉल्व रहोगे और वो भी, तो देखिएगा उसकी वो रुकेगी। पर भी वो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी ऐसी चीज में जिसमें वो बिल्कुल बंद करता है, कोई तो ऐसी चीज वो सिर्फ अपने गेम में बंद करता है मैम, जब गेम खेलता है तो उसको आईपैड खेलता है, तो आईपैड जैसा कुछ और निकालना हो। आईपैड में वो क्या करता है, वो गेम खेलता है मैम, सभ्य सभ्य करके गेम आता है। कौन से गेम खेलता है वो? टेंपल रन खेलता है मैम, टेंपल रन और सभ्य सभ्य कैरम खेल। आप लोग कैरम नहीं आता है? कैरम नहीं आता। मान लीजिए हम कुछ भी और साथ में बैठ के, मान लीजिए एक हमने चैकिंग कर, ज्योति आप हमने को म्यूट कर लो मैम। हाँ, तो अगर हम कोई ऐसे स्टैकिंग कर दें ब्लॉक्स की और दोनों तरफ से उसको वो करें, मतलब बॉल से गिराएं, तो उसको पसंद आएगी? हाँ मैम। या फिर पसंद आएगी? पेंटिंग वेंटिंग पसंद, जो भी चीज पसंद वाली, उसके लिए हम तो मिले नहीं है उससे, जो भी उसको पसंद है वो वाली चीज में अगर ब्रेन पूरी तरह ऑक्यूपाइड है और ब्रेन को नरिशमेंट मिल रहा है कि हाँ ये वाली चीज हमें समझ में आ रही है, तो बोलना बंद हो जाएगा। बोलना तभी हो रहा है जब उसको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और बाकी की चीज उसके लिए बिल्कुल लो उसकी है, लो लेवल की। जी 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 मैम। तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ दो तीन लोग हैं जिनका ये बोलना, इसको कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक लैंग्वेज, पिछले सेशन में मैंने बोला था अपनी डिक्शनरी बना लेते हैं इन लोग, कुछ भी बोलते रहते, और वो बहुत खराब लगता है अपने को हमको। जी जी मैम, मैं पूरा समय यहाँ तक कि खाना खाने में भी चलता है उसका। और वो जो बोल रहा है, काम करिए, वो जो बोलता है ना उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उसको सुनाइए, देखिए वो कैसे रिएक्ट करता है। जी मैम, ऐसे ही एक बार बेटी और हम थे, तो बेटी ने क्या किया, जैसे साउंड करता है वो जब गेम खेल रहा था उसका, तो बेटी ने क्या किया कि कहा मम्मा अपन तेज तेज बात करते हैं, जब हम लोगों ने तेज बात करना चालू किए तो वो गुस्सा होने लगा मैम, क्योंकि उसको डिस्टर्ब हो रहा था। वो नहीं, ये काम नहीं करा, फिर ये वाली चीज काम नहीं करी। आप अभी तो फिलहाल जो स्टैंडर्डाइज चीज वो यही है कि आप डाइवर्ट कर दीजिए दूसरी एक्टिविटी में, जो क्या पसंद है उसे, पेंटिंग पसंद है या क्या करना, जैसे जो और क्या कर सकता है वो, कैरम म्यूजिक अच्छा खेलते हैं अगर एक बार कैरम का मैम कोशिश किए थे मगर वो पूरे हाथ से मारा करता था। कोई बात नहीं, उस वक्त आवाज बंद हो जाएगी लेकिन मुंह की आवाज। अच्छा, आज से मैं चालू करती हूँ कैरम का मैम। कैरम करिए, रूल्स मत फॉलो करिए, हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये नहीं कि तुमको ब्लैक गिरानी है, तुमको व्हाइट, ये सब नहीं, इतना बोलिए, सिर्फ उसको छेद में डालने का वो टारगेट रखिए, देखिए क्या उस वक्त बोलना कम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उससे कर दे, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं भी पसंद कैरम। डाइवर्ट करना पड़ेगा, अगर आप उसको बोलेंगे चुप रहो तो वो नहीं असर करेगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, करके देखिए आप थोड़ा एनालाइज। और किसी का मैम जी, और मैम मेरे तीन सवाल है मैम। हाँ, तीन सवाल है मेरे, टाइम भी जाने वाला, कल ले लेंगे आप सवाल तो बता ही दीजिए, कल ले लेंगे अगर चला गया तो। एक मैम है, जैसे उसको मैं स्पून का सिखा रही हूँ कि स्पून बोलना ये सीखे, ठीक है, तो वो स्पून मतलब चम्मच, चम्मच ढूंढना सीखे। हाँ, तो जैसे मैं कहती हूँ, हाँ, तो वो इतना साउंड करता है कि वो सुनता ही नहीं कि मैंने क्या मांगा। नहीं, और तो जब उसको पिक्चर बोला है कि चम्मच, पिक्चर दिखला दिए, तो जैसे हम पिक्चर दिखला दिए उसको, तो वो दूसरे कमरे से भी लाके दे देगा चीज। हाँ, पिक्चर नहीं दिखाए तो नहीं ला पाएगा।
यदि बोल के बर्बल बोल के कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है मैम, तब वो नहीं लाता है। लेकिन एक दो बार आपने वर्बल बोलना जब शुरू किया तो एक दो बार आप साथ में गई क्या, एकदम छोड़ ही दिया? हाँ मैम, हाँ हाँ, नहीं मैम गए थे हम, कई बार गए, मगर वो दूसरी चीजें उठाने लगता है। एक काम करिए, चम्मच की पिक्चर उसको फिर दिखाइए और कह दीजिए अब इस चम्मच लेके आना, स्पून लेके आना है, अब इस पिक्चर को पॉकेट में रख लो। ठीक है, पिक्चर को पॉकेट में, पिक्चर है इसको पॉकेट में रख लो, अब मत निकालना और स्पून लेके आ जाओ। मेरे ख्याल से वो पिक्चर से ही रिलेट कर पा रहा है, जब तक वो स्पून लेने जाता है उतनी देर में उसके दिमाग से गायब हो जाता है। और नहीं भी गायब होगा तो ब्रेन को मैसेज ये जा चुका है, ब्रेन ने अडेप्ट कर लिया है उसके कि इस पिक्चर देख के ही देना है। जी मैम जी, तो हमको फेड करना है उसके इस प्रॉम्प्ट को। आप यही चाह रहे हो कि अब वो बिना पिक्चर के शुरू करे, तो ऐसे नहीं फेड होगा। आप पिक्चर अभी भी दीजिए, अब आप कम देर के लिए दे रही है, मतलब आपने दिया, उसने देखा, आपने कहा इसको पॉकेट में रख लो, उसने रख लिया, और फिर वहां जाके भले अगर देखना चाहे तो देखने दीजिए। जी जी, फिर धीरे धीरे से ये पिक्चर फेड कर देंगे। एकदम से आप पिक्चर दिखाती थी और एकदम से आप बोल रही हैं आप बिना पिक्चर के लाए, तो नहीं होगा। ब्रेन को मैसेज जा चुका है ना, और अगर वो पिक्चर लिए लिए काम कर रहा है तो वो भी अभी एक्सेप्टेबल है। जी मैम, ठीक है, तो अभी वो ठीक है मैम। हाँ, ऐसे करिए, एकदम से स्विच ओवर मत करिए कि अभी तक तो पिक्चर था, बिना पिक्चर के जाओ स्पून लाओ। या तो आप पॉकेट में रखवाइए, ये पहला स्टेप। दूसरा आप ये भी कर सकती हैं, अगली बार कई दिन करने के बाद दिखाइए और रख लीजिए, उसको मत दीजिए। अच्छा, ऐसे तो वो पहले करता ही था क्या, देख के ले? ऐसे कर लेता है वो। नहीं मैम, वो जैसे अपन ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उसको पिक्चर दिखला दिए, हाँ, तो किचन से काफी दूर से लेके आ जाएगा वो, और आप पिक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं। हाँ, अब आप उसको दे ही दीजिए और कह दीजिए पॉकेट में रख लो, और फिर लेके आए, देखिए शायद करने लगेगा वो। वो ले आएगा मैम, ले आएगा वो, एक बार भी देख लेता है तो वो ले आ देता है। बर्बल बोलने बस से नहीं कर रहा है। आपने क्या, मैं 15 दिन से दिखा रही हूँ और पिक्चर दिखाया ही नहीं बिल्कुल अभी। नहीं मैं तो रियल स्पून दिखला रही थी, पिक्चर भी दिखला रही थी, दोनों चीजें अभी तक तो आप दिखला रहे हैं। अभी नेक्स्ट जब किया तो बिना दिखाए और बिना पिक्चर और बिना उसके सीधा बोला स्पून ले आओ, तो नहीं लाया, यही आप कहना चाहते हैं? जी जी मैम, हाँ 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 हाँ, उसे डाल दिया ना। आपको थोड़े दिन देना भी पड़ेगा, थोड़ा पॉकेट में रखवा देना पड़ेगा, थोड़ा सा झलक दिखा के वो कर देना पड़ेगा, धीरे धीरे से आपको फेड करना होगा, एकदम से फेड नहीं होगा। जी मैम जी, हो सकता है उसे आ गया हो, उसको पता है कि उसको स्पून लाना है, पर वो उसको इंतजार कर रहा है कि उसको वो दिखाई पड़े। प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट इसे कहते हैं, वो डिपेंडेंट हो गया है आपकी पिक्चर पे, उसको फेड कर दीजिए, करने लगेगा, पर फेड एकदम से नहीं होगा कि आज पिक्चर दिखाना बंद। आपको थोड़ा सा उसको दे ही देना पड़ेगा, थोड़ा गायब कर देना पड़ेगा। कई बार आप ऐसे कर सकती है कि एक दो घंटे पहले दिखा दी और कहीं थोड़ी देर बाद बोली कि लेके आओ, तो वो रिसाइट कर पाता है कि नहीं, ये देखिए करेगा। जी मैम, एक और है मैम, वो सिर हिलाने का है, वो पूरा समय सिर हिलाता है मैम। बताइए वो क्यों हिला रहा है? ऐसे ऐसे, एक मिनट मैम, एक मिनट, वो पूरा समय सिर हिलाते रहता है, गोल 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 गोल, यूं करके ऐसे पूरा समय हिलाता है सिर, वो सीख समय हिलाते रहता है, मूवमेंट सीख कर रहा है बॉडी का। ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, थेरेपिस्ट बताएगा कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी सर वाली, वो वेस्टिबुलर या प्रोप्रिसेप्टिव कुछ प्रेशर या मूवमेंट वो चाह रहा है, ठीक है, यही तो है ना। अब वो मूवमेंट उसका इस तरह का रोकने के लिए उसको सेंसरी डाइट के थ्रू वो मूवमेंट्स दिए जाएंगे और वो एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको बताएगा। या तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा फोन पे, मैं आपको अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करा दूंगी। जी 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 मैम, आपको करा देगा तो आप वो कराते रहिए। आप क्योंकि भोपाल में है तो कैसे, तो वो पर्टिकुलर वो ही एक्सरसाइजेस करानी होंगी, ऐसे हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते, तो वो धीरे धीरे आएगा, है ना। ये ओटी डिमांड कर रहा है, ऑक्यूपेशनल थे कितना बड़ा है, 20 ईयर का है मैम, 20 ईयर का है, लेकिन ये चीज रोकी जा सकती है फिर भी। जी मैम, ठीक है, ओके, ठीक है। और किसी का, 2-3 मिनट है, और किसी का क्वेश्चन मैम? हाँ बोलो मैम। अरे रियान को जो पसंद है वो ज्यादा क्यों खाना चाहते हैं? तुम क्यों, हम क्यों पिज्जा ज्यादा खाना चाहते हैं? मतलब सब ही वो खाया, ऐसा क्यों करता है?
देखो एक तो दो उसकी वो हो सकती है, तो उसको वो अगर वो रीइंफोर्समेंट है और वो ज्यादा डिमांड कर रहा है तो वो तो बना के रखो, क्योंकि वन ऑन वन में वही रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं जिसकी डिमांड बनी रहे। अगर तुम पहले पेट भर दोगे तो वो उस वक्त काम नहीं करेगा। दूसरा तरीका ये है कि फिर वो रीइंफोर्समेंट नहीं रह जाएगा तो तुम उसको रोज ही खिला दो वो चीज, तो थोड़ा उसकी वो क्रेविंग कम हो जाएगी। अगर दिन भर कोई पिज्जा खिला दिया जाए तो नहीं मांगेगा, तो ज्यादा थोड़ा जैसे हर दिन एक चिप्स दे दो। अगर बहुत ही क्रेविंग हो रही है और बिल्कुल ही नहीं मन भरा तो घर में बना के या जैसे भी करके आप उसको दे दो, फिर वो रीइंफोर्समेंट नहीं रह जाएगा। और मतलब कुछ भी जो भी उसका पसंद सब, हाँ तो ये जिद है, उसके लिए आपको वही शेड्यूल में कार्ड बना के भी चिप्स टाइम है चिप्स खा लो, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा नहीं कहना है, कल मिलेगा फिर, ऐसा आपको कार्ड में लगा के रख देना है चिप्स टाइम। जिस भी बिहेवियर पे आपको वर्क करना है, देखो जैसे ही खत्म हो जाएगा आप लोग समझ लेना हम कल कैरी फॉरवर्ड कर, ठीक है? ओके मैम। शेड्यूल में अगर जब हम कराएंगे और कार्ड में डाल देंगे रियान के कि चिप्स टाइम, और उसे दिखेगा कि अरे वन ऑन वन के टाइम के बाद चिप्स लिखा तो है, तो चिप्स आप दे दो एक पैकेट, चाहे घर वाला दे दो, ठीक है? उसके बाद कह दो देखो चिप्स टाइम फिनिश, वो जब चिप्स खा ले तो चिप्स वाला कार्ड वहां से निकल जाएगा, फिनिश पॉकेट में आ जाएगी, ये तरीका होता है। तो वो देखेगा अरे चिप्स वाला कार्ड लगा था, अभी चिप्स वाला कार्ड फिनिश नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद क्या, अरे नहाने का टाइम है, तो वो वेट करेगा ब्रेन अगले दिन के लिए। ये लोग पिक्चर से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, वही चीज आप कहते रह जाओगे कल देंगे तो शायद नहीं समझे, लेकिन उसको दिख गया यहाँ से तो चिप्स वाली पिक्चर निकल गई, और अब नेक्स्ट वाले कार्ड तो लगा ही नहीं, नेक्स्ट वाला कार्ड तो नहाने का लगा है, तो वो रुकेगा धीरे धीरे। लेकिन वो शेड्यूलिंग के थ्रू समझाना होगा, ये भी एक चैप्टर है पूरा, मैं बता रही हूँ हर बिहेवियर ध्यान से सुनो, अगर कहीं हट जाता है तो कल उसको याद दिला देना, वहीं से शुरू करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो उसी पर्टिकुलर टाइम के आजू बाजू थोड़ा पहले ही शेड्यूल उसके टाइम टेबल में एक कार्ड पहले तो नहाने का अगर लगा है, और आपको मालूम है नहाने के बाद वो चिप्स की जिद करने वाला है, तो चिप्स वाला कार्ड आप लगा दो और उसके बाद की भी एक एक्टिविटी का लगा दो। यानी आपने तीन कार्ड लगाए, नहाने का कार्ड, चिप्स का कार्ड और उसके बाद की एक्टिविटी का कार्ड। हो सकता है नहाने चिप्स वाले के पहले वाली एक्टिविटी में उस पर बिहेवियर आते हो नहीं पसंद है, या पसंद है उसके बाद वाले में बिहेवियर आते हो, लेकिन बीच में चिप्स दिख गया या चिप्स वाले में आता हो, जो पसंद आ गया उसके आगे पीछे को वो फॉलो करेगा। लेकिन ये देखते हुए कि मेरा चिप्स वाला कार्ड अब निकल गया है, फिनिश पॉकेट में पहुंच गया है, अब तो हमें नहाना ही, अब तो हमें कुछ और जो भी आपने लगाया चिप्स के बाद वो करना है, तो वो देख के समझेगा। लेकिन अगर आप बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहोगे खाना है नहीं खाना है कल देंगे रुक जाओ, तो नहीं सुनेगा। ब्रेन इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता इनका ब्रेन लगे हुए कार्ड्स को ज्यादा करता है। अगर आपको किसी चीज को मना करना ये मत करो तो वो वाली पिक्चर लगा दो और उस पर रेड कलर से क्रॉस बना दो, वो ज्यादा दिखेगा। अच्छा कल का लिंक आप लोग को बस आ जाएगा अभी, है ना? ओके मैम। अच्छा और किसी के जिसके भी क्वेश्चन है कल पूछ लेना आप लोग, लेकिन जो शेड्यूल वाली चीज है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है? जिस वक्त बिहेवियर आ रहा था उस वक्त का शेड्यूल, ठीक है? ओके चलो फिर एंड, है ना? बाय बाय मैम, अभी एक मिनट है। और कुछ पूछेंगे तो वो आंसर रह जाएगा। मोनिका आपने सुना? जी मैम जी, कुछ आपको सुना मैंने लक्ष्य को सर। हेलो मैम, तो कल पूछ लेना वैसे आपने। हेलो मैम, आप कहाँ से? ठीक है मैम, कल पूछूंगी मैम। हाँ मैं जय